oil from wherever it has to. India consumes 5 million barrels a day. That consumption is going up. Have I been told by anyone to stop buying Russian oil? The answer is a categorical no. चाहे कच्चे तेल की बात की जाए या फिर बात की जाए रूस भारत के रिश्ते की या फिर बात की जाए LAC पर भारत के मजबूत स्टैंड की। भारत ने जिस बेबाकी से अपना स्टैंड इन सभी मुद्दों पर क्लियर रखा उसके बाद दुनिया भारत के सामने झुकने को तैयार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर अपने बेबाक और सटीक बयानों से भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका को लपेट लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार एस हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक साथ कैसे घेरा और क्या मान लिया जाए रूस से तेल लेने से भारत को कोई नहीं रोक सकता और आखिर में भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में क्या अपना दबदबा कायम कर चुका है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बड़ी बेबाकी से रूस से दोस्ती और तेल पर बयान देकर हड़कंप मचा दिया। अब आप खुद ही सुनिए क्या कहा गया भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा। इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयरएवर इट हैज टू। इंडिया कंज्यूम्स 5 मिलियन बैरल्स अ डे एंड दैट कंजम्पशन इज गोइंग अप। Have I been told by anyone to stop buying Russian oil? The answer is a categorical no. The second question, Minister, was about our energy buys from Russia. Did they figure in your conversations? Look, I want to tell you that there has been a fair amount of misconception on energy buys from Russia. I have said quite frequently, and I said that to my colleague, the External Affairs Minister, that, you know, typically, Europe buys in one afternoon what we were buying in a quarter. We ended the financial year with a total amount of imports of Russian oil at 0.2%. 0.2%. Yes, when 24th February took place and in the months, if I remember correctly, April, May, June in that quarter, you know, of the first quarter of the next year, imports from Russia was significantly arose as a result of the, dislocation in the market. But subsequently, other suppliers stepped in. And I think in the following months, I think another Middle Eastern supplier was at number two situation. I think the Saudis were number one suppliers always. And for one quarter, I think the Russians moved up. Then the other Middle East suppliers come. Look, let me make it very clear. India will buy oil from wherever it has to for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries. I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves in one particular case extended assistance up to $4 billion and a lot of that is in energy. तो सुना ना आपने किस तरह से भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिका में जाकर वहीं पर रूस और तेल को लेकर उत्तर दिया। वैसे आंकड़ों की बात की जाए तो सितंबर में भारत ने रूस से रोजाना 8.7 लाख बैरल क्रूड का आयात किया। इससे पहले जून में भारत ने रूस से 9.33 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड का आयात किया था। भारत दुनिया का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और ग्राहक है। रूस से आयात बढ़ने की वजह से वहां से मिलने वाला डिस्काउंट रहा है, हालांकि अब ये डिस्काउंट घटकर आधा रह गया है। इसके बावजूद भारत का रूस से आयात जारी है। रूस से आयात बढ़ने का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। पिछले साल तक भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 1% थी, जो अब बढ़कर 21% हो गई है। वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी एक साल में 10% से घटकर 4% रह गई है। खैर, भारत ने रूस के साथ पक्की यारी की है और रूस ने भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को कई बार कड़ा संदेश दिया है और अमेरिका जैसे देशों को दिन में तारे दिखाए हैं। और भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने भी रूस से कच्चे तेल को लेकर अमेरिका में जो संदेश दिया है, उसके बाद क्या अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि भारत रूस की दोस्ती वो कभी नहीं तोड़ पाएगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।